वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रेहांस। तो बता दूँ, आज है मॉर्निंग, तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी भी मैं नहा धो के तैयार हूँ, तो बस अब निकलने वाला हूँ। तो मैं पूरा प्लान डिस्कस कर रहा था कि मैं कैसे जाऊँ, किस तरीके से जाऊँ। तो मैं सोचा था क्यों ना पहले नाहरगढ़ जाया जाए, उसके बाद आगे बढ़ाया जाए या भानगढ़ जाया जाए, उस तरीके से। बट लेकिन क्या ना, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि तो अगर मैं अभी जल्दी निकलता हूँ तो मैं ये सब कवर कर लूँगा, बट लेकिन बाद में ये कवर नहीं कर पाऊँगा लेट निकलने में। तो अभी बज रहे हैं 7:30, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि जल्दी निकल जाए तो अच्छा है। तो अभी मैं बैग वैग वगैरह पैक कर रहा हूँ, तो सारा सामान पड़ा हुआ उल्टा सीधा, आपके बैग वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो अभी मैं पैक करने के बाद तो आप बता रहा हूँ कि वीडियोज़ कैसी लग रही हैं आपको मेरी, जो मैं ये घूम रहा हूँ, जो राजस्थान में आपका पूरा किला मिले, जितने भी किले वगैरह है, नाहरगढ़ वगैरह सोच सब कुछ है जो। तो बस यही, आगे निकलते हैं, देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। और प्लस थोड़ा थकान वकान सी हो गई थी रात को, आराम से पूरी फुल्ली नींद आई, और लेकिन अब है ना पूरा फ्रेश फील हो रहा है मुझे। बस थोड़ा चैनल पर बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलिए। आप देख सकते हैं ये था कमरा, मैं आपको मॉर्निंग में भी दिखा देता हूँ पूरा कैसा कबाड़ा सा पड़ा है। हेलमेट ये रखा हुआ है मेरा, ये मेरा गोप्रो रखा हुआ है, आपका ये आपका बैग है, आपके भी ग्लव्स रखे हुए हैं, वहीं आपको माउंट वगैरह रखे हुए हैं, ये नीचे नी गार्ड नी कैप रखे हुए हैं, हेडफोन है, ये आपका बाथरूम है, ये गीजर लगा हुआ है, बेहतरीन गजब ऑशम है यार सीरियसली। और बाइक राइड करने के लिए मैं हो गया तैयार, बस ये हेलमेट, यूपर कैप वगैरह सब कुछ, ये बैग लटका हुआ है, और ये आपके नी कैप पहन रखे हैं। चलो निकलते हैं, ओके मिलते हैं आगे। स्टेयर्स उतर रहे हैं आप, गुड जॉब। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं निकल चुका हूँ, आपका मजा आने वाली है, व्यू एकदम फाड़ू है, सूरज भगवान अपने दर्शन दे चुके हैं, और कुछ नहीं, सब बढ़िया, पहाड़ों के बीच में होते हुए, और ये शायद रामगढ़ और दिल्ली वाला एक्सप्रेस वे है, तो किसी से पूछ लेंगे हम नीचे उतर के कि क्या नाम है, रामगढ़ के लिए रोड कहाँ जा रहा है, अब रामगढ़ से लोधी पता नहीं क्या बताया था उन्होंने, वो मुझे पता नहीं, वो पता कर लेंगे अपन। तो यहाँ से मैंने ये सोचा यहाँ से ऐसे निकला जाए, उसके बाद क्या नाम है, आगे वहीं से आगरा के लिए हाईवे भी मिल जाएगा मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली उनको। बट लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले मैं एक चाय पीऊँ, चाय नाश्ता वास्ता कर लूँ थोड़ा हैवी सा, जिससे क्या नाम मुझे आगे रुकने की ज़रूरत ना पड़े, मैं जब रुकूँ तो आगे जाके पूरा रामगढ़ी या कोई भानगढ़ जाके ही रुकूँ। बट लेकिन बताते हैं, यहाँ से जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ से कम तुम्हारा 70 किलोमीटर कम से कम अराउंड है आपका भानगढ़, 70 किलोमीटर कोई नहीं, हम कवर कर लेंगे, और पूछ लेते हैं टेकर है जो कोई भी है, उसने मुझे बताया था कि भैया अगर आप 10 बजे करीब चलते तो मैं आपको अपने साथ ले चलता, वो उधर साइड ही रहता है करीब 30-35 किलोमीटर पहले भानगढ़ से। तो मैंने बोला नहीं भाई, मुझे जल्दी निकलना है, बस मुझे आगे पहुँचना भी है, इसलिए मैं खुद अकेला ही निकला हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो दिल्ली वाला हाईवे था, दिल्ली गुड़गांव वाला, वो मैंने चेंज कर दिया, अभी अलग एक रूट ले लिया, आपको दिख रहा हुआ, ये बताते हैं रामगढ़ और आपका आंधी, जो मैं आपको बता रहा था पहले कि क्या नाम है वीडियो में कि मैं आंधी जो नाम बोल रहा हूँ, उसका आंधी आंधी जो कुछ था उसका नाम है आंधी, ये भानगढ़ तब जाता है, रामगढ़ आंधी होते हुए ये भानगढ़ जाता है। बट लेकिन क्या है, हम आगे और पता कर लेंगे लोगों से, बोला कि लाइक ठोक दो यार वीडियो पे, और आप लाइक नहीं करोगे ना तो वीडियो आगे आपको प्रमोट नहीं करेगी, मेरे चैनल को सॉरी मुझे आगे प्रमोट नहीं करेगी, तो इसलिए क्या लाइक बनता है। अभी हाथों में ठंडी लगने लग गई है क्योंकि मैं थोड़ा अब आउटर एरिया में आ गया हूँ, जहाँ पेड़ वगैरह वन विभाग वगैरह ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा ठंडी सी लग रही है, हाथों में महसूस हो रही है, बट लेकिन फ्री नहीं है, सूरज भगवान जी के दर्शन हो गए हैं, ज़रूरी है उनका दर्शन होना, क्योंकि ये सारे बटालियन है कोई, आई थिंक BSF है, पता नहीं क्या आई थिंक, पता नहीं जो कुछ भी है। बता दें, मैं आपको बता दूँ, मेरा सपना था कि मैं भानगढ़ जाऊँ एक बार, देखूँ तो विजिट करूँ भानगढ़ को, वहाँ से शायद आई थिंक मैंने गूगल मैप पे देखा था आगरा वहाँ से 200 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, 210 से ज़्यादा नहीं है, 210 से ज़्यादा नहीं है, 210 से ज़्यादा नहीं है, पुलिस चौकी
भाईपुरा उत्तर उत्तर जयपुर उत्तर ये उत्तर साइड है जयपुर का। एक जो भैया थे उन्होंने मुझे बताया आपको कहीं नहीं जाना, सीधे जाना है आपको रामगढ़ पहुंचना है, वहां पर आपका जो है रामगढ़ बांध आएगा, आप वहां पर पूछ लेना और कैसे क्या है, उसके बाद सीधे निकल जाना है। एक बात बताऊँ, गूगल में ऐसे ज़्यादा पता है पूछने में मज़ा आता है, लोगों से मिलता है मतलब लोगों से मिलते हैं बात करते हैं तो ये अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सा लगता है। अब गूगल मैप भी क्या था, गूगल मैप डाल लो अपना सीधे चलते चलो, वो भी दो पाले से सारा किलोमीटर आगे निकल जाओ किलोमीटर पीछे रह जाओ, इससे क्या है लोगों से पूछो थोड़ा ये है अपना टाइम तो खर्च होता है, एक दो मिनट खर्च होती है बस, ये क्या तो ही नहीं मज़ा आती है। लोग अब थोड़ा 20 किलोमीटर दूर तक का बता देते हैं जिससे क्या नाम आगे परेशानी, इससे भी है मेरा विनम्र निवेदन है आप भी जब भी कहीं कैसे भी निकलो, चाहे 4 पहिए की गाड़ी से निकलो चाहे 2 पहिए की गाड़ी से निकलो, तो प्लीज़ आप यहाँ के लोगों से पूछ लो, वो आपको बता देंगे, हेल्पफुल हैं, ऐसे नहीं बता देते हैं वो बहुत अलग है, थोड़ा बहुत वो किसी को नहीं पता होता, वो हम भी अपने शहर में रहते हैं कहीं अननोन जगह या कहीं, जैसे अगर मैं रहता हूँ दिल्ली विल्ली में या नोएडा वगैरह गुड़गांव में रहता हूँ तो मुझे उस जगह का नहीं पता होता भाई ये चीज़ कहाँ पर है, तो एक्चुअली वहाँ कर दो, यही होता है यहाँ के लोग हैं ना बड़े स्वीट से हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हाँ ठीक है वहाँ अपना ये है कि थोड़ा बता देते हैं अच्छा लगता भी है। तो ये है तुम्हारा यूट्यूबर रियांश शर्मा जो बोल रहा है आपसे बातें कर रहे हैं, तो मॉर्निंग है देखो सूरज भगवान अपने दर्शन दे रहे हैं, जय श्री शंकर। वो अभी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना सारा काम कर रहे हैं, तो ये यही तो नहीं है भांगड़ बांध कहीं रामगढ़ का बांध, इतना जल्दी थोड़ी ना जाएगा रामगढ़ का बांध, इतनी जल्दी थोड़ा रामगढ़ आ गया। इंद्रगढ़ 3 किलोमीटर यहाँ से है इंद्रगढ़, मैंने अभी बोर्ड देखा यहाँ से 3 किलोमीटर है इंद्रगढ़, चलो इंद्रगढ़ पहुँचते हैं आपसे, इंद्रगढ़ पहुँच कर मिलते हैं आपसे। ये टर्न देखो वाई गॉड फैबुलस जब यार गाड़ी राइड करने में बाइक चलाने में भाई मोटो ब्लॉगिंग करने में अलग ही मजा है, बट लेकिन क्या है ना वो ठंडी लगती है, झेलना तो सब कुछ पड़ता है बट लेकिन क्या है झेलने के बाद ही कुछ मिलता है मेरी जान, ऐसे कुछ नहीं मिलता। और ये रोड सही आ गया है आपको आगे मिलते हैं। अभी मैंने एक से पूछा कि मैंने की कि यहाँ से रामगढ़ के लिए रामगढ़ होते हुए कैसे रास्ता क्या है, उल्टा जवाब दे रहा भाई इधर से चले जाओ उधर से इतना पड़ेगा। वो जो दूसरा बंदा था वो बता रहा था कि भैया आपको क्या नाम है रामगढ़ जाना है जो बांध आएगा, जो मुझे पहले बताया था ना जो भाई ने एक ने ऐसे उसने बताया था कि रामगढ़ पे एक बांध आएगा उससे 10 किलोमीटर है, तो वहाँ से निकलते ही आपको क्या नाम है आंधी के लिए जाना, आंधी से सीधा रास्ता आपको बांधगढ़ जाना है, कहीं नहीं छोड़ना और आगे आप पूछ लेना वैसे उसने बोला। और लेकिन ना कुछ लोग होते हैं जो चले बताते पूछते और करते कुछ हैं, तो कहते ना कि हर एक शहर में सारे मतलब कहते ना कि सब जगह सारे ठीक होंगे तो फिर उस शहर किस बात का, देखो अच्छे लोग भी मिलते हैं खराब लोग भी मिलते हैं और सब तरह के लोग, ये देखो सामने आपको व्यू देखो इन्जॉय कीजिए व्यू को, व्यू का आनंद चाहिए मतलब जैसे क्या सुबह की मॉर्निंग में चाय के साथ व्यू ऐसा है कि आपके हाथ में एक कप हो सामने पार्ले जी के दूध चार बिस्किट रखे हो चार नहीं पैकेट में आंदोलन है ध्यान में क्या रखा है और सामने मॉर्निंग की चाय कॉफ़ी न्यूज़पेपर और मेरा ब्लॉग चल रहा है, न्यूज़पेपर रहने दो तो मैं डेट डाइवर्स होगा एक मेरा ब्लॉग चल रहा है डेट, आप टीवी पे चलाइए चाहे फोन भाई गॉड इतनी गहराई से देखिए उस ब्लॉग को, मॉर्निंग का है ना एकदम भाई गॉड शुभ प्रभात वाला ब्लॉग है, हमारे के सामने क्या है हल्की हल्की धूप मध्यम मध्यम की हवा आ रही है, मेरी मेरी की आवाज़ आ रही है प्यार भरी है एकदम, पर लेकिन क्या कोई डिस्टर्बेंस हो तो बता देना भाई, ये देखो वाह यार अल्टीमेट व्यू है देख पा रहे होंगे जो जो रास्ता है ये वाला आंधी के लिए है, मैंने रामगढ़ क्रॉस कर लिया है, रामगढ़ का बांध में इसलिए नहीं आपको दिखा पाया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बंदर से ज़्यादा इसलिए तो कोई नहीं बात में दिखेंगे, ये बराबर पहाड़ी चल रही है सारी ये शायद किसी का मंदिर है आई थिंक पहाड़ बंदर देखो अकेले लेके जा रहा है, देख रहे इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं रोका, बहुत सारे यहाँ तो कुछ नहीं है जो बहुत कम बंदर है और लेकिन वहाँ पे ना अल्टीमेट बंदर थे भाई गोड़ यहाँ फोटोग्राफी करने में मज़ा आएगा भाई, मैं गाड़ी लगाता हूँ साइड में तो फोटो खींचते हैं व्यू आएगा दाखिल। मैं पहले आपको बैक कैमरे से दिखा दूँ, देखो ये देखो पहाड़ी वाह गॉड सच में यार अल्टीमेट व्यू है, ये रास्ता है देख रहे हो आप ये चीज़ देखो
बेहतरीन गजब। और ये बाइक खड़ी हुई है, ये गजब। मैं आपको बता दूं यहाँ का जो व्यू है ना भाई, ऑसम है। सीरियसली देखो आप, देखो मेरे चारों तरफ देखो कितनी घनी वादियाँ, इसमें चारों तरफ से भाई पेड़ पेड़, चारों तरफ पहाड़ वगैरह। अल्टीमेट व्यू है भाई सच में। ये सूरज बुरा किरण वहाँ, एक फोटो वोटो होता है भाई, एक फोटो बनता है एक। चलो ये फोटो क्लिक करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आंधी यहाँ से 12 किलोमीटर है बस, ओनली 12 किलोमीटर। चलो यार एक नया रास्ता खोजा हमने, अच्छा रास्ता है। जो व्यू मुझे मिल रहा है ना, ऑसम व्यू मिल रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं यार। ये इतनी चारों तरफ हरियाली हरियाली, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ भी हैं, ग्रीनरी है भाई। कहते हैं लोग अच्छी लग रही है ग्रीनरी यार। देखो यहाँ फोटो क्लिक कितना अच्छा हुआ। और लेकिन क्या ना, मैं अकेला हूँ तो यार थोड़ा स्कूलों में यही होता है कि फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाती। ऐसा लग रहा है साउथ में आ गया क्या? साउथ नहीं है मेरी जान, ये है आपका जयपुर, मतलब राजस्थान। जयपुर तो मैं निकल, जयपुर से तो मैं आ गया, ये राजस्थान आपका क्या है, राजस्थान। अरे इंडिया घूमो मेरी जान, अल्टीमेट व्यू मिलेंगे यार, अल्टीमेट नज़ारे मिलेंगे, और एकदम शानदार शानदार प्रकृति, नेचर यार, नेचर देखो यार, तुम देख सकते हो। वो अपने फोकस पड़ रहा होगा सूरज का कैमरे पे, पूरा रोड एकदम बढ़िया है, और क्या चाहिए, ग्रीनरी है, हरियाली है, बस और क्या चाहिए यार, यही चाहिए। वीडियो को एंजॉय कीजिए, उन्होंने चैनल अब सब्सक्राइब नहीं करा अभी, वीडियो देख रहे हैं बस खाली खाली यार, कर दो यार, तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं हम यार, ठीक है कर दो कर दो, ठोक दो सब्सक्राइब, ठोक दो और लाइक भी ठोक दो एंड शेयर भी ठोक दो, सब कुछ ठोक दो। चलो ये बताइए यहाँ पर कोरोना होगा? मुझे तो लगता नहीं है कोरोना होगा यार, दूर दूर तक लोग वाक देखने के लिए नहीं मिल रहे, कोरोना का घंटा मिलेगा भाई। प्रकृति के साथ जुड़े हैं लोग यहाँ के, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं यार। तो कोरोना की क्या चलती है यहाँ, तो कोरोना की दादी अम्मा पापा चाचा ताऊ कोई ना मिले भाई। भानगढ़ के लिए जाना था जी, सीधा सीधा रोड है। चलो ये कौन सा गांव है, कोई क्या कौन सा गांव? चलो गाड़ियाँ भी देख ली यहाँ की, कितनी गाड़ी मेरी 50 स्पीड में चल रही है। मैं तेज इसलिए भी चला रहा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोड है ना, कहीं खड्डे वड्डे हैं, इसलिए क्या ना अपना संभल के चलो तो अच्छा है। क्योंकि रास्ते में आप भी जानते हो, अगर मैं यहाँ गाड़ी तेज चलाऊंगा, अगर कहीं पंचर वंचर भी हो गया तो मुझे यहाँ नहीं मिलने वाली कहीं भी सर्विस गाड़ी की, क्या नाम है जो मेरी पंचर जोड़ दे। पहले मैं आंधी पहुँचता हूँ, अभी आंधी यहाँ से आई थिंक 8 या 10 किलोमीटर होगी, तो मैं आंधी पहुँचने के बाद आपसे मिलूँगा, आपसे बातें करते हैं बहुत सारी। चलो आंधी, आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ आंधी का इधर सामने, आधी हमने कर लिए क्रॉस। एक पुलिया पड़ेगी, पुलिया करेंगे क्रॉस, उसके बाद पड़ेगा आपका भानगढ़। टर्न काफ़ी हैं लेकिन क्या है, सूरज भगवान की किरणें बरत रही हैं, वो मैं आगे से लग रहा है आंखें खींच रही हैं। अब थोड़ा मौसम में थोड़ा सुधार आया है, हवा तो चल रही है बट लेकिन क्या है ना, अभी धूप तो है और हवा चल रही है तो ठंडी इतनी नहीं है, वो गर्मी को थोड़ा धूप का हवा काट रही है और प्लस हवा को थोड़ा गर्मी काट रही है, ऐसे लोग दोनों का मिक्सचर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, बढ़िया बना हुआ है। पुलिया आप देख रहे होंगे, ये जो बाईपास ये रिंग रोड जो जा रहा है फ्लाई ओवर, ये आपको आगरा के लिए चले जाएगा, ये आगरा के लिए है। मैं आज नीचे कट गया हूँ, ये भानगढ़ के लिए है। अब एक्चुअली बोर्ड लगा हुआ था, आगे भी बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये भानगढ़ के लिए। एक बार और कन्फर्म कर लेंगे, भानगढ़ का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, भानगढ़ धर्मपुरा दोशा, एक बार और कन्फर्म कर लेते हैं भानगढ़ के लिए कौन सा रूट है। इन भाई साहब से पूछते हैं कि इन भाई साहब बता देंगे। भैया भानगढ़ के लिए क्या है, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 15 किलोमीटर होगा। और ये अपना हाईवे जो ये कहाँ के लिए गया? हाँ नहीं, और इससे आगे? अच्छा ओके, धन्यवाद। चला नहीं है आज, हम भानगढ़ देख के मानेंगे, क्या करके मानेंगे, भानगढ़ देख के मानेंगे। जो मेरा सपना था भानगढ़ आने का, और मुझे जो देखना था भानगढ़,
फाइनली आज मैं कैच कर लूंगा उस भानगढ़ को। बस ये है कि वो फोर्ट बंद ना हो किसी कारण, बस कोरोना की वजह से या किसी की वजह से शायद, मुझे लगता है आज तक बंद नहीं होगा। और वो शाम को हो जाता है क्लोज, वो है भूतियों का गढ़ भानगढ़, इसलिए उसे बोला जाता है भानगढ़। क्या बोला जाता है डार्लिंग? भानगढ़। और ये देखो बच्चे पकड़ के आ रहे हैं स्कूल से, बच्चे गाड़ी की तरफ नहीं देख रहे हैं, इग्नोर मार दिया उन्होंने पूरे तरीके से। बाइक राइड करो, सेफली राइड करो, बढ़िया तरीके से, पूरी सेफ्टी के साथ, सारे गैजेट लेके, नी कैप, एल्बो कैप, शोल्डर कैप, वे फलाना ढिकाना, जैकेट वैकेट, ठंडी वट्टी ना लगे, ग्लास ग्लव्स, ऑल सारी चीजें लेके। और प्लस आप राइडिंग कर रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो उसके साथ आपके पास एक्शन कैमरा होना चाहिए, एक DSLR होना चाहिए, DSLR नहीं तो फिर इस तरह एक फोन होना चाहिए जिससे कि आप छोटी मोटी ब्लॉगिंग कर सको। हम मतलब मैं अपने आप को हम बोलता हूँ, तो आप ये ना सोचें कि हम क्यों, मतलब हम कितने जने हैं, बट लेकिन क्या है, मैं अपने आप को भी तजब्बत देता हूँ तो मैं दूसरों को भी तजब्बत देता हूँ। ये गांव है छोटा सा, देखो आप रोड बिल्कुल खाली दिख रहे हैं, मुझे लगता है भानगढ़ कोई नहीं जाता क्या डर के मारे? ओ नहीं जाते हैं, गाड़ी जा रही है राजस्थान RJ की गाड़ी जा रही है 14। मैं आपको बता दूँ यहाँ से जो भानगढ़ है ना, भानगढ़ यहाँ से 7 किलोमीटर का दायरा है, बोर्ड लगा हुआ था मैंने वहाँ पर देखा था, 7 किलोमीटर है भानगढ़। तो अपन भानगढ़ पहुँच जाएंगे थोड़ी दूरी में, इधर में भानगढ़ की जगह है, तो देखते हैं क्या चीज़ है। लोगों ने उसका हुआ बना रखा था कि ऐसे डर लगता है, वो लगता है पहला राजगढ़ अलवर सारा कुछ रखा है, 6 किलोमीटर आई थिंक, बस ओनली 6 किलोमीटर है भानगढ़। देखो तो यहाँ पर पत्थर पर कारीगरी दिखाई जा रही है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो शिल्पी होते हैं ना, वो पत्थर में से देखो क्या डिजाइन विजाइन, साई बाबा वगैरह आपकी हनुमान जी सारा कुछ बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। वो चीज़ें पता नहीं कौन सा गाँव है, लेकिन कोई ना कोई तो गाँव होगा, लिखा हुआ होता तो मैं बताया था आपको क्या नाम है गाँव का, ऐसे ही है धर्मवीर बैरवा गाँव होगा, लिखा हुआ गाँव होगा। ये लोग यहाँ पे ये काम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग है ना इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब पत्थर है ना, सारा पूरा पहाड़ी इलाका है, तो ये पत्थर निकाल निकाल के अपनी सिल्कगिरी वगैरह निकालते हैं भाई, मेहनत करते हैं लोग, जाते हैं पहाड़ों के ऊपर पत्थर निकालते हैं, तोड़ते हैं और जाकर उसे बनाते हैं उसकी। ये भाई रास्ता आपका भानगढ़ के लिए, तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था 2 किलोमीटर, तो मैंने पूछा, मैंने मुझे ऐसा लगा कहीं मैं दूसरे कहीं और कहीं भानगढ़ गांव में आ गया हूँ, तो लेकिन यही है भानगढ़ फोर्ट, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे कि ये भानगढ़ फोर्ट है, मुझे और कहीं जाना पड़ रहा है, मुझे 800 मीटर की दूरी पर है भानगढ़ का किला, लेकिन यार कोई दिख तो रहा नहीं है यार, ऐसा कैसा किला है, भीड़ भाड़ नहीं जैसे नाहरगढ़ में है और वहाँ आपका क्या नाम है जो जितने भी महल हैं आपका क्या नाम है जल महल हवा महल, यहाँ भानगढ़ 1 किलोमीटर 800 मीटर बता रहा है पागल लड़का, 1 किलोमीटर तभी तो नहीं दिख रहा यहाँ कुछ, ओए हो सामने दिख गया भाई, दिख गया भाई भानगढ़ है भूतों का शहर भानगढ़, उसमें रात को कोई जाता नहीं है ना कोई आता है। क्या हुआ अंदर एंट्री के 10 रुपये है, एंट्री के या पार्किंग के गाड़ी कहाँ पर है आगे है, और किले की क्या फीस है पर व्यक्ति? वाह आपकी हिंदी एकदम शुद्ध, पर व्यक्ति अच्छा लगा। चलो ये रात को कितने बजे बंद हो जाता है? अच्छा सूर्योदय से सूर्यास्त, चलो यहाँ जो सीन सुन रखा वो सच है, चलो कुछ तो है, है? चलो कुछ तो है, नेचुरल है जो दिखने के लिए, पार्किंग कहाँ लगानी है, पार्किंग यही है, एंट्री कहाँ से, मेन गेट से? चलो यार तो भाई लोगों
अपनी कर देते गाड़ी पार्क यहाँ पर, तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली मानगढ़। यहाँ भीड़ भीड़ नहीं है क्या भैया? कितने बजे आएगी? अभी सुबह कहाँ है, तो 10:30 बज रहा है। वो ले गया ले गया ले गया ले गया बंदर। और ये हम पहुंच गए हैं आपका भानगढ़। ये है भानगढ़ का गेट, बेहतरीन। उसमें एंट्री करता हूँ, फिर आपको आगे टिकट घर पे मिलता हूँ। आप देख सकते हो पूरा सुनसान रास्ता है भाई। बोला जाता ना भानगढ़ वैसे ही है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर शांति है। शांति नहीं, ये भूतों का एरिया। ये देखो ये रोड बना रखा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, आपके दिख रहे होंगे आपको सारा पूरा एरिया जो है वही है। ये देखो लंगूर बैठे हुए हैं चारे, बेहतरीन। चलो कहीं ना कुछ देखने के लिए मिला, तो लंगूर तो देखने के लिए मिल ही गए, बस और क्या चाहिए। हम देख सकते हैं गजब, ये कहीं ऐसा ना हो अटैक वटैक कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। वाह यार, वो बंदर भी उनके बीच में, देखो बंदर गजब है यार, सीरियसली ये तो अच्छा है। यहाँ चारों तरफ बंदर ही बंदर है, आप देख सकते हैं पूरा ऑसम है भाई। आगे लंगूर भी हैं भाई, सीरियसली, इसलिए तभी से बोलते हैं भानगढ़। आप देखो ये पूरा, ये ना मस्त एरिया है भाई, मस्त है एकदम बेहतरीन, अच्छा लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको बंदर यहाँ पर, क्या दिखाता हूँ, बंदर एंड लंगूर, वो था सारी चीज़ें। बेहतरीन गजब, ये रोड है भाई भानगढ़ का। ऊपर जाना है, ऊपर मंदिर वंदिर बताते हैं, सब कुछ है सच में। देखो बंदर केले खा रहे हैं, इसी को बोलते हैं भानगढ़ का केला सारा जो है ना। मैं आपको आगे मिलता हूँ, आगे चलता हूँ, आगे वो चीज़ दिखाता हूँ, तो व्यू दिखाता हूँ, बेहतरीन बेहतरीन। पब्लिक आ रही है, प्राचीन स्थल भानगढ़, भानगढ़ प्राचीनतम सारी चीज़ें। अल्टीमेट यार, तो आगे बढ़ रहा हूँ भाई, धीमे धीमे सारी चीज़ कवर कर रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हो क्या ऑसम व्यू है। अब फोटो तो खींचने वाला कोई है नहीं मेरे साथ, बट सेल्फ फोटो खींचने मुझे बेहतरीन तरीके से भाई। ये देखो ऊपर का व्यू, चारों तरफ का व्यू देखो, बेहतरीन है ना, अल्टीमेट। तो इसे बोलते हैं भानगढ़, भानगढ़ भूतों का गढ़ बोला जाता, बट लेकिन क्या मैंने बाहर एक मतलब उनसे पूछा था भैया से, तो बोल रहे कि अब नहीं है यहाँ इतना कुछ, पहले था, तो खौफ खत्म हो गया आई थिंक। तो पता नहीं क्या बना हुआ है, देखो छोटे छोटे अपार्टमेंट से बने हुए हैं चारों तरफ, ऐसे कुटिया होती थी ना पहले ज़माने की उस तरीके की, और पुरानी दीवारें वगैरह हैं, ये पुराने पत्थर वगैरह से बनी हुई हैं भाई। कहता रास्ता भी दे रखा है, जंगल टाइप का है पूरा ये, ऐसा ही जयपुर सर्कल, शायद ये गवर्नमेंट के अंडर है शायद, मैं ऐसा लगता है। तो बाहर टिकट मुझे जो दी है 25 रुपीज़ की टिकट दी है, और प्लस 10 रुपीज़ आपके उसने मेरी बाइक का चार्ज लिया है, उसका क्या बोलते से पार्क करने का। तो यही है सारा व्यू, देखो भाई व्यू देखेगा आपको, बेहतरीन वाला नज़ारा है अल्टीमेट ये है। अच्छा ये देखो पानी आ रहा है यहाँ सब चीज़ की, पता नहीं लोग, मुझे ऐसा लग रहा है क्राउड नहीं है आई थिंक, बट लेकिन यहाँ पे वहाँ बता रहे थे कि क्राउड आता है बढ़ता है जाता रहता है, बट लेकिन मैं नहीं, आज कोई क्राउड नहीं है। मैं ही इस टाइम पे ऐसे टाइम पे आया हुआ हूँ कि जहाँ क्राउड ना हो। रास्ता देखो भाई सीरियसली बहुत ही खतरनाक रास्ता है,
खैर का मतलब चारों तरफ से ढका हुआ। भाई आप देख रहे हो सर, मुझे लग रहा काफ़ी पुराना ये बरगद का पेड़ है जो पूरा, ये आप देख सकते हैं। अब हम अंदर एंट्री करते हैं, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ सारा आपको आगे का। ओके ये देखो यार, सच में ये काफ़ी बरगद के पेड़ हैं शायद, ये देख रहे हो आप। यहाँ बंदर भी हैं, लंगूर भी हैं, मोस्टली ज़्यादातर यहाँ पर लंगूर भी है और प्लस बंदर भी, ये दो चीज़ हैं आप देख सकते हो। डर भी लग रहा है एक तरीके से, कहीं ये कुछ कहना दें। मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद यहाँ पर अकेला हूँ शायद, आई थिंक कोई नहीं है यार, सीरियसली ऐसा ही है क्या? बट लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है, आगे भी कुछ कवर करना है। शायद ऊपर से कुछ घेर दिया बंदर ने, बंदर शायद कुछ ले गया है ऊपर, चना वना तो नीचे बिखेर दिए थे सारे, ये बंदर खाने लग रहा है आपके। ओ लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, आपस में लड़ रहे हैं बंदर, मुझे डर लग रहा है। आई थिंक देख सकते हैं बहुत सारे बंदर हैं। वाओ ये गेट है आपका मेन गेट, पानी की से आवाज़ आ रही है कुछ आई थिंक यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फोटोग्राफी हो यहाँ पे एक। और हम इस मंदिर पर ऊपर चढ़ रहे हैं, बेहतरीन, काफ़ी सीढ़ियाँ वगैरह, काफ़ी शायद पुराना पत्थर यहाँ लगा हुआ है, शायद ये शायद कोई मंदिर है, शायद बंद भी है शायद ये चीज़। देखो यार ये व्यू देखो बेहतरीन, गजब है। पहले हम इसके चारों तरफ घूमते हैं, उसके बाद इसमें अंदर देखेंगे क्या है। सब कुछ बंद है आई थिंक यार, ये सारी चीज़ें बंद है, पुरानी कारीगरी कर रखी है इस पर, देखो पुरानी कारीगरी कर रखी है सारा कुछ, जो कुछ भी है। कहते हैं ना किला तो किला ही होता है भाई, कुछ भी सही, चाहे बहानगढ़ का सही चाहे किसी का सही, किले किले होते हैं, हाथी वगैरह सब कुछ बना रखा है। इसको मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा इसका एक। पहले चलते हैं मंदिर, जो मंदिर है शायद प्राचीन तत्व का पुराना, तो इसे पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे फोटोग्राफी, शायद कुछ आपको देखने को मिल जाए अच्छा सा, तो कवर करते हैं सारी चीज़ को। ये देखो आप, है ना इस तरीके से, शायद मुझे लगता है क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा, ना ये मंदिर ना कुछ, कुछ अजीब आवाज़ें सुन, देखो कबूतरों की आवाज़ आ रही है, ऊपर का व्यू देखो गजब यार, अल्टीमेट है। तो कुछ ऐसा करते हैं फोटोग्राफी करते हैं सामने से, फोटो अच्छे आएंगे फिर आगे आपको आगे मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आए थे तो इसे वो मंदिर बता रहे थे कि ये मंदिर है, आप देख सकते हैं ये इसे मंदिर बता रहे हैं पर, लेकिन यहाँ पर मूर्ति मूर्ति नहीं है किसी, मंदिर बताया जाता है ये मंदिर है। चलो कोई नहीं, अच्छा है भाई, मंदिर होना भी ज़रूरी है ऐसी जगह, अगर मंदिर नहीं होगा या तो रास्ता ही नहीं है, लोग कैसे उतर के गए यहाँ से पता नहीं, हम भी उतर जाते हैं। बेहतरीन, जब जंप की हमने जब यार, सीरियसली कुछ अलग ही चीज़ है, फिर से हटके है कुछ पूरा, ये पता नहीं क्या बना रखा है, जन सुविधाएं और जब पब्लिक वो है क्या नाम है, इसमें चलते हैं ये क्या चीज़ है इसे भी देखते हैं। वाह मुझे भीड़ नहीं लग रही यहाँ पर, नेक भी क्राउड नहीं दिख रहा, मैं ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। ये देखो यार ये पता नहीं क्या, पुराने तत्वों के राजमहल टाइप के होते ना, ये देखो गुम्बद टाइप की बनी हुई है ये चीज़, पूरा डरावना है बट लेकिन इतना नहीं जितना हमें बताया जाता है कि भाई भानगढ़। वाह ये शायद कुआ पता नहीं क्या यार, ये देखो यहाँ से रास्ता नहीं है, मुझे बैक जाना पड़ेगा यहाँ से पहले, सीरियसली रास्ता ही नहीं है वहाँ पे, बंद कर रखा है पूरा, हर किसी का शायद राजा का महल टाइप का है। चलो कोई नहीं आगे से लेते हैं हम, आंखों में मुझे रोशनी लग रही है
ना क्यों ना सन ग्लासेस पहना जाए, उसके बाद आगे मिलते हैं, थोड़ा सा पानी पिए जाए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, तो मैंने जैकेट वैकेट सब उतार दिए। आगे किले पर चलते हैं भाई, ऊपर लोग हैं, पहले इसे कवर करते हैं उसके बाद ऊपर चलेंगे, या तो मैं पानी वगैरह पी लूँ ना। ये चीज़ आप चेतावनी है ना, एक बार आप पढ़ लेना ये क्या लिख रखा है, उसके बाद आप इसमें अंदर जाना। ये चीज़ ना नेचुरल वाटर टैंक, आप इसमें तब इसके बाद अंदर जाना, क्योंकि भाई बता रखा है इसमें किसमें ये पानी ना नहाना, और प्लस इसमें कूदना वूदना मना है क्योंकि इसमें जहरीले जीव जीव जंतुओं का वास हो सकता है। ये भी शायद यही चीज़ है सारा, दोनों ये दोनों चीज़ सारी यही है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ, आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ये भी शायद कोई मंदिर है, ये है सोमेश्वर मंदिर, आप बोर्ड देख सकते हो ये लगा हुआ है नीचे मेरे सोमेश्वर मंदिर का। ये सोमेश्वर मंदिर है, ये आपका एंट्री गेट है यहाँ से, ये चीज़ आप देखो सामने ये मंदिर एक। चलो पहले उससे ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ फोटोग्राफी करेंगे, ठीक है। देखो यार बेहतरीन है सीरियसली, देखिए जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। भगवान तो भगवान होते हैं, चाहे आप अंदर हो चाहे बाहर हो। जी ना मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ सारी चीज़ें। भोले जी की शिवलिंगों पर ये जो कुंड है वही मैं उतार सारा बंद कर रखा ऊपर जाने वाने का, चारों तरफ पूरा ये ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए रास्ता है शायद, ये भी बंद कर रखा है। ये पुराने जो है ना पुराना बना हुआ है सारा कुछ, आप देख सकते हो ये। चलो नीचे उतरते हैं, जो अम्मा है वो बोल रही थी अगर किसी को गाइड चाहिए तो वो गाइड प्रोवाइड करती हैं, और प्लस गाइड वो डिपेंड करता है 50, 100, 150 जितना अपना मन हो, जिनकी जितनी श्रद्धा हो अच्छा इच्छा हो वो दे सकता है, कोई नहीं अम्मा की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर। तो हम बस अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, आप वीडियो को इन्जॉय कीजिए पूरे खुले तरीके से, ओके भाई वो कजा अच्छा नजारा जी। बस 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 गजब यार पूरा। ये कुछ लिखा हुआ नोटिस है, प्राचीन स्थल भानगढ़ पूरा दे रखा है, गवर्नमेंट का लोगो बना के सारा कुछ। तो मैं आपको अब फ्रंट उस पे आता हूँ ना, अब मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं पीछे का व्यू ये है। अब हम जाएंगे ऊपर, कहाँ जाएंगे ऊपर, दिस साइड, ओके बेहतरीन यार किला है पूरा भानगढ़ का। मुझे बताएं क्यों ऐसे भूतिया महल बोलते हैं, भूतिया ये फलाना ढिकाना किस वजह से, बट लेकिन मुझे नहीं पता लोग बोलते हैं, हम तो सुन लेते हैं बस, खाली हमारा काम है सुनने का, कोई नहीं सुन लो, बट लेकिन क्या है सुनने के बाद मैंने सोचा ठाना और मैंने अपने आपको समझाया जो भी कह सकता हूँ, तो मैं लग क्यों नहीं उस पर ऊपर जाया जाए, देखा जाए भानगढ़ जाके देखा जाए क्या सच में ही ये डरावना है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये डरावना है कुछ ज़्यादा, बट पता नहीं लोगों ने मिथ बना रखी है। हाँ बट लेकिन इतना है यहाँ रात को आना मना है, जो भानगढ़ का मेरा जो सपना था एक बार घूमने का वो एक्चुअली आज पूरा हो ही गया, मैंने उस चीज़ को पा लिया, मतलब यानी मतलब कोशिश करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच गया। और मैं यहाँ से आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये अल्टीमेट भाई सीरियसली, ये देखो और ये आपके ऊपर का व्यू है। तो हम चलो ऊपर चलते हैं ऊपर किले पर, जिसे भानगढ़ किला बोलते हैं। हाँ सीरियसली यार उसमें यहाँ घर कर गाड़ी लेके आया भाई, मैं तुम बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखो ये रूट है चढ़ने का ऊपर कैसा, मेरी सांसें फूलने लगी सच में। ये भाई जो फोटो क्लिक कराऊंगा उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे उसके बाद देखते हैं। ओके क्या नाम है भैया आपका, भाई
महेंद्र कुमार चौधरी हैं, ये हमें यहाँ पर मिले आपके भानगढ़ किले पर। यहाँ का नज़ारा कैसा ये बताओ? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है यहाँ जो चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर डरावना कुछ ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा ना, पर लेकिन क्या है लोगों ने मिथ बना रखी अपने में, सोच रखी कि यहाँ पर डर है रात को जाना, पर लेकिन रात को आना मना है ना, रात को बंद हो जाता है जो बताते हैं सूरज ढलने के बाद, सूरज उदय होने से पहले खुलता है और ढलने के बाद बंद हो जाता है, ऐसा कुछ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है? ओके भाई बाय। तो हम अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीरियसली यार अच्छा है यार जो कुछ भी है। ऐसा लग रहा नई बिल्डिंग बना के रखी है, है? तो शायद कोई नहीं, ऊपर जाएंगे ऊपर देखेंगे कैसे क्या है ये पूरा, एक बार इस पर चढ़ के देखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या है, ठीक है? अरे ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या सीन है भाई, क्या नज़ारा दिखता है यहाँ का, ये इससे नज़ारा अच्छा हुआ तो सिनेमैटिक शॉट लेंगे पूरा, वाओ। पता नहीं ये रास्ता कहाँ जा रहा है लेकिन क्या मुझे देख के, चलो कोई नहीं जाना नहीं चाहिए, और वैसे भी हम ऐसी अनमोन जगह आए हुए हैं यहाँ पे, रास्ता तो हमें पता नहीं है बट लेकिन गेट खुल रखा है इन्होंने सब कुछ, ये सुनो गलत पहुँच जाए भाई बैक ही अच्छे हैं, वैसे भी हम बहुत गलत जगह आ चुके हैं। भाई किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है सीरियसली भाई, वो जो मज़ा आ रही है ना मैं बता नहीं सकता, वो कितनी ज़ोरों शोरों से आ रही है, आई लव फील कर रहा हूँ भाई गॉड मस्त वाला। अब चलते हैं अंदर इसमें भाई गॉड, दूसरे वाले पहले इधर एंट्री करते हैं उसके पास उसमें चलेंगे, गजब भी तो किला टाइप का बना रखे हैं भाई, ये देखो इधर शायद ये पता नहीं क्या चीज़ है राजाओं के घर थे क्या ये, तो ऐसे ही लगता है मुझे पूरा, आप देख सकते हैं खुला मैदान। अरे इसकी शायद इस पर कुछ काम किया गया है ऐसा लग रहा है, सही है यार अच्छा है सीरियसली काफी, तो वाक भी है जहाँ तो ये मंदिर है यहाँ पर, ये मंदिर है, जूते पहन के नहीं अलाउड है, है ना जो ये मंदिर है हाँ जूते वूते उतार के जाना पड़ता है, इसलिए ना हम लेंगे दूर से कवर करते हैं, मेरा अपना कुछ यहाँ पे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, अपने काम से काम रखो ज़्यादा इंटरफेयर ना करो उसमें तो ही अच्छा है, यानी कौन से रास्ता कहाँ के लिए गए हैं कुछ नहीं पता, थोड़ी देर आगे दूसरा गेट है ये हुआ है, इस पर तो ऊपर जाना पड़ेगा शायद, उधर आपका मंदिर ये पता नहीं क्या जेल सी बना रखी सच में यार, लाइक जय भोले शंकर ध्यान रखना भाई तो आई गॉड, कुछ तो है भाई यहाँ पर सच में यार, तभी तो लोग यहाँ आते हैं, नहीं तो नहीं था यहाँ लोग क्यों आए, ये काफ़ी पुराने हो गए तो धस गए यहाँ पर सारा कुछ टूट गया है, इस चीज को कवर करने में सच में बड़ा ही मजा आता है सीरियसली आई गॉड, कैसे रहते थे लोग आ गया समझ नहीं आ रहा, डर नहीं लगता क्या, तभी तो कहते हैं यहाँ पे अलाउड नहीं है रात को, यहाँ अलाउड ही नहीं है तभी, इसलिए
जय भोले शंकर। ये दूसरा गेट है यहाँ से, यहाँ मैं अभी होके आ रहा था, लेकिन मैं आया नहीं। ओके, इसी वजह से मुझे लग रहा मैं यहाँ पे क्लियर पर अकेला ही चढ़ रहा हूँ। शायद नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, तो कोई नहीं, आपा चढ़ेंगे, आपा मस्ती करेंगे, आपा घूमेंगे सारी चीज। नहीं सकता सीरियसली यार, अल्टीमेट व्यू है ये, देखो यार सीरियसली किला भी तो पता है, और ऊपर है ऊपर वहाँ पर, ये भी तो पूरा ऐसा करता हूँ, मैं एक सिनेमैटिक शॉट लेता हूँ, है ना। देखो चली आ रही है, टट्टी कर रही। अभी एक भैया मिले थे, मैंने उनसे पूछा था यहाँ पर कुछ जो डराने वाली चीज है, ऐसा कुछ है क्या? वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसी पागलपंती बना रखी है, डरा रखे हैं। एक किला है भाई ये, बट लेकिन क्या रात को आना क्या मतलब, रात को तो ये अपने आप खुद बंद हो जाता है, इसमें किसी को खुद नहीं घुसने देते, इसलिए तो रात को तो आपको बनता ही नहीं है यहाँ आने का। तो आपको जो कहते ना, मुझे बताया था, गेट पे बताया था कि जैसे सूरज मॉर्निंग में उगता है और फिर इवनिंग में ढलता है, उसके बाद यहाँ पे आना वर्जित है, वो अपने आप ही बंद कर देते हैं। आलीशान है पता है, अब जब ये अपने ज़माने पर ठीक होगा, जब उस टाइम पर बाई गॉड ये किला कैसा लगता होगा, देखने लायक होगा। सीरियसली मैं बता नहीं सकता जो यहाँ पे फील होती होगी, बाई गॉड अल्टीमेट होती होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे जो रास्ता है ना, अनेक रास्ता बना रखी है पूरा, देखो नीचे ज़मीन है। देखो यार मैं पता है बहुत ऊँचाई पर हूँ इस टाइम, फिर भी नीचे ज़मीन है, घास फूस उड़ रही है, उग रही है, काफ़ी चीज़ें ऐसा किला टाइप का। यार यहाँ पर कोई आता जाता है नहीं, तो ये सारा लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए। सर ऐसे ही कुछ है सारा कुछ, तो मैं शायद ये भोले बाबा का मंदिर है आई थिंक, ये अभी चलेंगे, ये ना झंडी दिख रही है, उसके बाद चलेंगे, पहले थोड़ा ऊपर देख लें ऊपर क्या है, कहीं किला गिर ना जाए भाई तुम्हारा, कहीं दब ना जाए। भाई गॉड सच में यार कितना बड़ा है रे, मैं पता नहीं चौथी मंजिल पांचवी मंजिल पर हूँ, मैं बता नहीं सकता। अब लगा लो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से चल के आया हूँ ना, वहाँ से वहाँ तक चल के आ रहा हूँ पूरा। अभी इसके ऊपर शायद अभी और है, सीढ़ियाँ बना रखी हैं भाई, कहा था घूम गया मैं, गुम हो गया, तो भाई गॉड मैं जाऊँगा कैसे। हाँ भाई गॉड आई थिंक फिर इसके बाद एंड है, ये इस पर पहाड़ है पूरा, अब देखते हैं पहाड़ है। चलो नीचे चलते हैं यार सिर, ओके काफ़ी थक गया मैं, कभी सब लगता है डिहाइड्रेशन हो जाए पानी की कमी की वजह से, तो पसीना आ रहा है मुझे, गर्मी एकदम बहुत है, कम ऊंचाई पे है ना, तो सूरज हमारे नज़दीक ही है, तो इसलिए गर्मी है, उतरने में डर सा लग रहा है। आओ लोगों के साथ एंजॉय करो, अच्छा है। वैसा मैंने आपको दिखाई दिया है पूरा, कवर कर ही रहा हूँ उसे मैं, लेकिन क्या अपने दोस्तों के साथ आओ तो अच्छा रहेगा और मज़ा आएगी। रास्ते ही रास्ते यहाँ पर चारों तरफ, कहीं भी निकल जाओ, सब कुछ गंद मचा रखी है लोगों ने यहाँ पे आके, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ, चिप्स पापड़
पानी खा खा के यही अपना कैरी करके ले जाए यहाँ से तो अच्छा है। फालतू में ये क्या, यहाँ से भी रास्ता है ऊपर जाने के लिए। यानी तो मैं एक बार वैसे ही घूम लेता हूँ, अब उतरने के बाद वीडियो नहीं बनाएंगे है ना। अच्छा ये ऐसे है, चलो बढ़िया है, नीचे उतर लेते हैं। पहले जो हनुमान जी का मंदिर है या भोले जी का मंदिर है तो चलते हैं, वो जरूरी है भाई, भगवान है हमारे, इसलिए वहाँ चलते हैं। तो धूप आ गया, चलेंगे यहाँ से। मैं जूते पहन रखे कि मैं दूर से दर्शन करूँगा, अंदर नहीं जाऊँगा। कैसे ये माता दी, माता दी लिख रखा है। चलो अब नीचे चलते हैं जल्दी से ना, फास्ट। आप ऊपर चढ़ लीजिए, आप ज़्यादा नहीं, ठीक नहीं है ज़्यादा चढ़ना। ठीक है, मज़ा आएगी बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा ना रास्ता भूल जाऊँ मैं, नहीं नीचे ही ना उतर पाऊँ। नहीं वैसे भूल नहीं सकते, रास्ता बहुत नेक है, एकदम ऑसम जगह है भाई, मज़ा आ रही है। फोटोग्राफी करने के लिए भी अच्छी है, फोटोग्राफी करना चाहते हो तो फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। मैंने तो जितनी जितनी थी अकेला हूँ, मैंने थोड़ी बहुत की है। आप देखोगे पुरानी जगह में आ गया, अब मैं बाहर निकलता जा रहा हूँ, बाकी आ गया, मुझे जल्दी पहुँचना है क्योंकि मुझे और कुछ भी कवर करना है एंड एक्सप्लोर करना है। आगे निकलेंगे आगरा हाईवे की तरफ, तो थोड़ी देर में बस बाइक पे पहुंचने वाला हूँ, तो बाइक पे पहुंचने के बाद मिलता हूँ आपको, है ना। ये देखो बाउंड्री देख रहे हो उधर, वो बाउंड्री उधर है, ये पूरा घिरा हुआ है पूरा, इधर इससे पर्वत से लेके पूरे पहाड़ से लेके उधर राइट पूरा बाउंड्री लेकर है पूरा।